दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड की शर्मनाक शिकस्त ने भारतीय खिलाड़ियों को इतना तोड़ दिया कि मुकाबले के बाद उन्हें आंसू छिपाने की जगह नहीं मिल रही थी। सबकी आंखें नम थी, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखकर सच में आपका भी दिल टूट जाएगा। तो भारत की हार के बाद पूरी भारतीय टीम का कैसा मंजर था, रोहित विराट से लेकर पूरी टीम इंडिया किस कदर गम में डूब गई थी, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत की हार का असली गुनहगार कौन है, कप्तान रोहित शर्मा या फिर पूरी भारतीय गेंदबाजी क्रम? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, एक होती है हार और एक होती है शर्मनाक तरीके से हार। और आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम ने सेमीफाइनल में हमारी टीम को शर्मनाक शिकस्त दी है, और ऐसी शर्मनाक शिकस्त दी है कि जिसे कोई भी भारतीय कभी नहीं भूल पाएगा। जॉश बटलर की टीम ने भारत को 4 ओवर शेष रहते ही वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया, और जिस भारतीय टीम ने लीग स्टेज में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था उसे इंग्लैंड की टीम ने शर्मनाक शिकस्त दे दी है। ऐसा लग रहा था कि वो कोई आयरलैंड के खिलाफ खेल रहे थे। इस हारने पर पूरे भारतवर्ष का दिल टूट गया, और इंग्लैंड के सामने 168 रनों का लक्ष्य रखा था। सबको उम्मीद थी कि भारतीय गेंदबाज उसे बचा लेंगे, पर दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन जैसे गेंदबाज इंग्लैंड के एक भी बल्लेबाज को आउट नहीं कर पाए। जॉश बटलर और एलेक्स हिल्स ने अकेले ही टीम इंडिया को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया, और इस हार ने भारतीय खिलाड़ियों का ऐसा दिल तोड़ा जिसके बाद वो अपने आंसू नहीं छिपा पाए। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और बाकी सभी खिलाड़ी बीच मैदान में ही बहुत इमोशनल और भावुक नजर आ रहे थे। सबकी आंखें नम थी, लेकिन सबसे ज्यादा यदि कोई टूटा था तो वो कप्तान रोहित। मुकाबला हारने के बाद रोहित सीधे डगआउट की तरफ गए और एक कोने में बैठ गए, और वो किसी से गले भी नहीं मिले और ना ही किसी से बात किया। सिर झुकाकर, आंखों पर हाथ लगाकर वो अपने आंसुओं को छिपा रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और पूरी दुनिया ने रोहित को रोते हुए देखा। वो बहुत ही इमोशनल थे और मुकाबले के बाद फूट फूट कर रोने लगे, और रोहित को इस हालत में देखकर हेड कोच राहुल द्रविड़ उनके पास गए और उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने रोहित की पीठ को थपथपाया और उन्हें कुछ समझाया भी। और दोस्तों, आपको बता दें कि रोहित शर्मा को कोई भी बात रास नहीं आ रही थी। वो इतने टूट गए थे कि कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। उधर विराट कोहली, हार्दिक पांड्या भी बहुत भावुक थे और उनकी भी आंखें नम थी। उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था और बावजूद उसके टीम इंडिया को हार मिली, और इसे बर्दाश्त कर पाना सच में किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होने वाला था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है? इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।